हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो विशाख, मेरी आवाज आ रही है? कर आ रही यार। ठीक, ठीक है। देखो, पीपीटी दिखाई दे रही है सभी को? ठीक यस सर। जो स्टार्ट करते हैं, देखो हम थे, हम बात कर रहे थे एरर्स की। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो, ग्राउंड पर लेते हो या फिर किसी वाटर बॉडी में लेते हो कि हिल एरिया में लेते हो, कोई लीनियर मेजरमेंट हो सकती है, कोई वॉल्यूम, कोई एरिया, कोई एंगल, जो भी चीज आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें एरर आ सकती है। तो अब सीरीज ऑफ रीडिंग में कैसे हम मैक्सिमम एरर निकालें, प्रोबेबल एरर निकालें, ये सब हम सीख चुके थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था कंप्यूटेड एरर इन कंप्यूटेड क्वांटिटीज। यानी कि अगर हम दो रीडिंग को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सम करें, दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स को, तब उसमें हम मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वो क्या कहते थे कि एक्युमुलेशन ऑफ एरर हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एरर्स। यानी कि अगर आपको टोटल एरर निकालना है किसी क्वांटिटी में, तो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस माइनस e3 स्क्वायर अंडर रूट में, इस तरह से हम उसको स्क्वायर रूट करके उसका टोटल एरर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिशन। ये बता चुका हूं, बस एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं इसको। ओके, एडिशन में क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दो मेजरमेंट हैं एक्स एंड वाई, दोनों का सम किया और जो थर्ड क्वांटिटी जो समेशन है उसको हम बोल रहे हैं एस। अगर हम मैक्सिमम एरर की बात करें तो एस में मैक्सिमम एरर कितना होगा, डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा से हम मैक्सिमम एरर को शो करते हैं। और एक्स क्वांटिटी में कितना होगा एरर, डेल्टा एक्स, और वाई क्वांटिटी में कितना होगा, डेल्टा वाई। ठीक है, और जो डेल्टा एस है या फिर डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है, प्लस माइनस में होते हैं। और डेल्टा में क्या दिखाता है, मैक्सिमम एरर। और मैक्सिमम एरर हम कैसे निकालते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, मान लो आप एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 2.375 मीटर कोई रीडिंग है, और मैं आपसे पूछूं उसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा, तो मैक्सिमम एरर होगा 0.0005, जितने डेसिमल के उतने जीरो लगाओ और 5। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एरर से निकल सकता है। तो अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत इजी है मैक्सिमम एरर को निकालना। अब बात करते हैं प्रोबेबल एरर। एडिशन में ही प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे हम, इससे पहले स्लाइड में बता चुका हूँ कि समेशन ऑफ एरर्स कैसे निकालते हैं प्रोबेबल एरर। तो जब हम किसी दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट लाइन में देखो एस जो है हमारा समेशन ऑफ टू क्वांटिटी है, और एस के अंदर जो प्रोबेबल एरर होगा प्लस माइनस ई एस होगा, इज इक्वल टू एक्स एक सिंगल क्वांटिटी है जिसके अंदर एरर होगा प्लस माइनस ई एक्स, प्लस y एक सिंगल क्वांटिटी इसके अंदर प्रोबेबल एरर होगा प्लस माइनस ई वाई। और हमें पता है प्रोबेबल एरर क्या होता है, अगर मैं ऊपर वाले इस x की वैल्यू को अगर प्रोबेबल एरर निकालूं तो क्या होगा, वो 0.0
जीरो 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 ट्रिपल जीरो उसके बाद 25 यानी कि मैक्सिमम एरर का हाफ, ठीक है। बट अब यहाँ पे जब आप x और y को अलग ले लोगे इस इक्वेशन में, जो आपका ex plus ey बचा है उसको हम ex plus ey नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि accumulation अगर हम probable error का करना है तो वो क्या हो जाएगा, ex square plus ey square under root, ठीक है। तो इसी तरह से addition में probable error क्या निकलेगा आपका, plus minus es is equal to ex square plus ey square under root में, तो probable error of addition आपका इस तरह से निकलेगा। सलीक हुसैन है, सलीक हुसैन सलीक हुसैन तानिया तानिया त्रिपाठी, यस सर। तानिया जो मैं अभी पीपीटी के ऊपर एक लिख रहा था पेन से, वो दिखाई दे रहा था सर? नहीं वो मेरी तो बीच में स्क्रीन चली गई थी, अभी आपकी स्ट्रीम तो आ रही है सर। तो उस पर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, देखना जरा सर। अभी तो आपका ये टीन्स वाला खुला है। चलो चलो ठीक है, मैं अभी किसी और से पूछता हूँ। सौरभ, हाँ सर दिख रहा है, मैक्सिमम एरर लिखा है आपने रेड से। ठीक है ठीक है, चलो सलीक हुसैन नहीं है यहाँ पे, जैसे ही ऑनलाइन आए बताएं मेरे को, ठीक है। तो एडिशन हमारा हो चुका है, कल भी डिस्कस हो चुका था, इसके बाद तो सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन सेम एज एडिशन होगा, दो क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम एरर भी इजी है निकालना और उसके बाद प्रोबेबल एरर भी इजी है निकालना। जो probable error होगा आपका same as addition होगा, ex square plus ey square, ठीक है। next चलते हैं multiplication, multiplication भी हो चुका था कुछ हद तक, एक बार और discuss करते हैं। दो quantity को आपस में जब multiply कर रहे हैं उसका जो product आएगा उसमें maximum error क्या होगा और उसमें probable error क्या होगा। अगर मैं single quantity की बात करूं तो आप बड़े easily निकाल लेते हो, पॉइंट के बाद जितना डेसिमल है 5 लगा दोगे तो मैक्सिमम एरर और उसका हाफ कर दोगे तो प्रोबेबल एरर। बट यहाँ बात हो रही है किसी प्रोडक्ट में मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है एक्स एंड वाई, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास एस, तो क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट एस को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में एरर निकालेंगे। तो डेल्टा एस एक्स is equal to y delta y, यानी कि ये error है केवल आपका maximum error है x में। इसी तरह maximum error y में निकालेंगे तो delta s y is equal to x multiply by delta y। तो ये दो चीजें आ गई हैं, एक delta s x है, ये है आपका x में error और ये है आपका जब y में error multiplication के साथ। अब टोटल प्रोडक्ट का आपको निकालना है, दोनों का सम करेंगे तो डेल्टा एस आपका आ जाएगा डेल्टा एस एक्स प्लस डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू वाई इनटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स इनटू डेल्टा वाई। इसमें देखो सिंपल, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि डेल्टा एक्स प्लस हो गया और डेल्टा वाई प्लस हो गया, इसमें प्रोडक्ट्स में है। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में किसी प्रोडक्ट का अगर मैक्सिमम एरर निकालना है तो सिंपल है y into delta x plus x into delta y, ठीक है। अब प्रोबेबल एरर बहुत सिंपल, अगर आपने मैक्सिमम एरर निकाल लिया है तो बस प्रोबेबल डेल्टा x की जगह पे आप ex रख दो, ex, और डेल्टा y की जगह पे आप रख दो ey, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपको accumulation of error निकालना है probable error तो इनका square करके under root होगा, square summation under root। तो जब हम इनका square करते हैं तो ये हो जाएगा y square, ex square, x square, ey square और ये under root में सारी चीजें चली जाएंगी। और फिर वहां से हम common ले लेंगे
तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर अंडर रूट में बचेगा ई एक्स डिवाइड बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस ई वाई डिवाइड बाय वाई का होल स्क्वायर, और बाहर जो है आपका अंडर रूट के बाहर एक्स वाई है जो इक्वल टू है आपके एस के। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबल एरर रेशियो में मिलेगा ई एस डिवाइड बाय एस, एक रेशियो मिल रहा है प्रोबेबल एरर और प्रोडक्ट का रेशियो जो इक्वल टू है आपका ई एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई बाय वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लीकेशन में आप किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। विनय कुमार मिश्रा सर, वॉइस ब्रेक हो के आ रही है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है सर? ब्रेक हो के आ रही है। अच्छा चलो, ये बताओ मेरे को, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया? यस सर। इसमें जब मैं ऊपर एक पेन से लिख रहा था स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा था? यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक, यही पूछना था मेरे को। सलीम हुसैन आया नहीं आया अभी? सलीम ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है हमारा डिवीजन, इसको भी ध्यान से समझना। डिवीजन में क्या होता है, अगर आप दो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका हम कैसे प्रोबेबल एरर निकालें और उसका कैसे मैक्सिमम एरर निकालें। तो दो क्वांटिटी है हमारे पास एस एंड वाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वांटिटी का मतलब है ग्राउंड पे ली गई या कहीं पर भी ली गई मेजरमेंट, पेपर पे आप मेजर कर रहे हो ठीक है। एक क्वांटिटी आपने मान लो एक एंगल मेजर किया 30 डिग्री, एक एंगल मेजर किया 20 डिग्री ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके एक रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, प्रोबेबल कितना एरर हो सकता है, वो हमें निकालना है ठीक है। तो एक क्वांटिटी है एक्स, एक क्वांटिटी है वाई, उन दोनों के रेशियो का जो वो है आपका एस है एस इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब इसमें आपको मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक्स के लिए एरर निकाला, मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा एक्स बाय वाई आ गया ठीक है यहाँ तक। तो और जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स ऊपर रहेगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट ना पता हो तो 1 बाय वाई का क्या हो जाएगा आपका, वाई की पावर माइनस वन, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आगे आ जाता है और वाई की पावर माइनस टू, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर है ना। तो वन अपॉन वाई स्क्वायर और एक्स वैसा का वैसा ही रह जाएगा ठीक है। तो इसी तरह से किया है, एक बार हमने किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, भी टोटल एस में कितना मैक्सिमम एरर है दोनों का सम कर दिया। तो अगर डिवीजन के केस में मैक्सिमम एरर डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई, एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल उतने जीरो लगा के 5, और वाई गिवन हो आपको, सारी चीज गिवन है आपको, एक्स और वाई गिवन है, तो डेल्टा आप निकाल सकते हो, तो डेल्टा एस भी आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्रोबेबल एरर की। तो वो सिंपल है, जो आपने मैक्सिमम एरर निकाला है डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रख देना है, ई एक्स, डेल्टा वाई की जगह पे क्या रख देना है, ई वाई। अब दो क्वांटिटी का हमारे पास प्रोबेबल एरर है, इनका एडिशन करना है तो उनका स्क्वायर और अंडर रूट, उसी तरह स्क्वायर किया हमने अंडर रूट में, और एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, और एक्स वाई कॉमन लेने के बाद हमें पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एस, और अंडर रूट में जो बचा वो सेम एज मल्टीप्लीकेशन वाले जैसा बचा है। तो एरर रेशियो सेम वैसा ही आ रहा है आपका जैसे आपका मल्टीप्लीकेशन केस में आया था। तो आपको एडिशन का याद रखना है तो सब्ट्रैक्शन का आपको याद हो जाएगा सेम है, आपको मल्टीप्लीकेशन का याद रखना है तो आपको डिवीजन का भी याद रहेगा, लेकिन अगर डेरिवेशन आती है तो डेरिवेशन इस तरीके से करनी है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पावर, ठीक है। अगर हमारा कोई एक क्वांटिटी है उसकी कुछ पावर है, तब हम उसको कैसे मैक्सिमम और एरर निकालेंगे, प्रोबेबल एरर निकालेंगे। बहुत सिंपल है, एस इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन और डेल्टा एक्स, ये निकल जाएगा मैक्सिमम एरर। और अब इसको भी हम ओपन करें तो हम इसको लिख सकते हैं एन एक्स की पावर एन वन बाय एक्स डेल्टा एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स की पावर माइनस वन का मतलब है वन बाय एक्स, और ये किसके इक्वल है आपके, ये इक्वल है आपके एस के, तो इसीलिए डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एन डेल्टा एक्स और एक्स। तो मैक्सिमम एरर रेशियो ये हो गया आपके पास, सेम एस डेल्टा एक्स की जगह ई एस हो जाएगा और डेल्टा एक्स की जगह पे ई एक्स हो जाएगा, तो प्रोबेबल एरर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोबेबल एरर, क्योंकि क्वांटिटी एक है, तो यहाँ पे कोई समेशन नहीं हो रहा है, इसके अंडर रूट नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है, तो हमारा ड्राइव करके जो मैक्सिमम एरर आया वैसा ही सेम इक्वेशन प्रोबेबल एरर की आई है, केवल हमारा वहां पे डेल्टा एक्स डेल्टा यूज होगा, यहाँ पे ई यूज होगा। तो बहुत सिंपल है आपको कि आप एरर कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोबारा से एक रिव्यू करते हैं कि हमारा जो सर्वेइंग है, जो हम मेजरमेंट लेते हैं, उसमें तीन तरह के एरर होते हैं, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक्सीडेंटल एरर, या मिस्टेक भी कह सकते हैं, सिस्टमैटिक और एक्सीडेंटल। तीन तरह के मान लीजिए, मिस्टेक, सिस्टमैटिक, एक्सीडेंटल। मिस्टेक और सिस्टमैटिक निकल जाते हैं, उसके बाद रह जाता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एरर में हमें सोर्स का नहीं पता होता कि आ कहां से रहा, हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट से ही हो, हो सकता है वो ह्यूमन एरर ही हो, बट हमें नहीं पता। मिस्टेक में हमें पता है कि ह्यूमन एरर है, तो हमने उसको प्रैक्टिस से रिमूव कर दिया। सिस्टमैटिक में हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से एरर आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट को हमने ठीक कर लिया। बट एक्सीडेंटल, जिसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं, हमको नहीं पता सोर्स का कि एरर आ कहाँ से आ रहा है। हो सकता है बहुत सिंपल जगह से एरर आ रहा है, उसे इजिली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें सोर्स ही नहीं पता हो, तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर एक ही रीडिंग को हम 10, 20 बार इतनी बार मेजर करते हैं, तो उसमें हम कैसे मैक्सिमम एरर प्रोबेबल एरर निकालें, वो मैं बता चुका हूँ, उसकी इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद कहता है कि अगर दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, पावर और डिविजन करने के बाद जो क्वांटिटी आई है, उसमें कैसे हम मैक्सिमम और प्रोबेबल एरर निकालें, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एरर्स का सारा आपका यहीं तक है, बस इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है आपका, ये मैं करा चुका हूँ। एक क्वांटिटी इज एज, अगर किसी को भी आवाज या फिर स्लाइड चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्लाइड से मैच नहीं हो रहा है, तो तुरंत मेरे को बता दें, ठीक है। तो मैं अभी जो स्लाइड है उस पर एक न्यूमेरिकल है, जो कल भी करा चुका हूँ, थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में कहता है कि ए क्वांटिटी एस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू मेजर क्वांटिटी एक्स एंड वाई गिवन बाय। दो मेजरमेंट है 4.88 प्लस 5.637, उनका समेशन है एस। इसमें फाइंड करना है मोस्ट प्रोबेबल एरर, मैक्सिमम लिमिट एंड मोस्ट प्रोबेबल लिमिट्स। तीन चीजें पूछी है इसने, मोस्ट प्रोबेबल एरर, मैक्सिमम लिमिट, मोस्ट प्रोबेबल लिमिट्स। वैसे हम इसमें निकाल सकते हैं चार चीजें, ठीक है, याद रखना। जो आपने डेल्टा एस निकाला है वो क्या है, मैक्सिमम एरर। डेल्टा एस को एस में प्लस और माइनस करके जो निकालोगे वो मिल गई मैक्सिमम लिमिट्स। दो चीजें मिल गई, मैक्सिमम एरर और मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। ES जो आप निकालते हो वो है आपका प्रोबेबल एरर, और ES को S में एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे जो दो वैल्यू मिलेगी वो हो गई प्रोबेबल लिमिट्स। तो चार चीजें हो गई, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम लिमिट्स, प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल लिमिट्स, इसमें तीन चीजें पूछी हैं, ठीक है। तो हमारे पास X क्वांटिटी है 4.88, Y क्वांटिटी है 5.637। तो मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स क्या होगा, पॉइंट के बाद दो जीरो के बाद फाइव, ठीक है, और वाई में क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू पॉइंट के बाद थ्री जीरो एंड फाइव।
सेम एज प्रोबेबल एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स का हाफ और डेल्टा वाई का हाफ. तो हमारे पास मैक्सिमम एरर सिंगल क्वांटिटीज का और प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल क्वांटिटी एक्स और वाई का अलग अलग निकाल लिया, बहुत इजी है. अब मैक्सिमम एरर एडिशन इक्वेशन में पता है, तो अगर हम इस इक्वेशन को लगाएंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है 0.0055. ये है आपका एडिशन में मैक्सिमम एरर. अगर एस में इसको एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया तो दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये है मैक्सिमम एरर की लिमिट्स. तो दो चीजें हम निकाल चुके हैं, मैक्सिमम एरर और मैक्सिमम लिमिट्स. नेक्स्ट है प्रोबेबल एरर इन एडिशन. तो आपके पास प्रोबेबल एरर इन एडिशन की इक्वेशन है एस प्लस माइनस ई एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर. EX आपका अभी लास्ट में आपने निकाला था लास्ट स्लाइड में 0.0025 करके, तो उन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट करके हमारे पास प्रोबेबल एरर आ चुका है 0.0025. इसको S में एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो दो लिमिट्स आ गए हमारे पास, इसको बोलेंगे हम प्रोबेबल लिमिट्स. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताओ. सर वो ना सर सलिक का मैसेज आया था उसके यहाँ बारिश हुई थी या क्या सर, वो नेट इशू बहुत है तो उसे कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा था. ठीक है चलो. और आपकी आवाज आई नहीं थी. उसको नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही सर? उसे नहीं आ रही, उसका मैसेज आया था. ठीक है ठीक है. अगर किसी को मतलब मेरी आवाज या उसकी आवाज मेरे को ना आए तो इसमें एक ऑप्शन भी होता है ना चैट का, आपको दिखाई दे रहा है ये? नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर टू, जिसमें हमें दो क्वांटिटीज का सबस्ट्रक्शन है और उसको हमें सॉल्व करना है. तो S is equal to 5.367 minus 4.88. तो 5.367 को हमने X assume किया है और 4.88 को Y assume किया है. तीन चीजें पूछी है इसमें, most probable error जिसको बोलेंगे ES, most probable limit यानी कि S में plus minus कर दो ES, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्वांटिटी यानी एस में प्लस माइनस कर दो डेल्टा एस. तो ई एस की इक्वेशन है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई, जो हमने रेड में लिखा हुआ है सारी चीजें निकाली हुई है. डेल्टा एक्स बराबर 0.005, डेल्टा वाई बराबर 0.005 और उसका हाफ हाफ कर देंगे तो ई एक्स और ई वाई हमारा निकल जाएगा. एस इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एस और एस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा, इससे हमारा मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगी सेम एज एडिशन. तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर टू को, सेम एज एडिशन की तरह क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर थ्री है जो हमने सॉल्व नहीं किया है. ए ड्राइव क्वांटिटी एस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर क्वांटिटी एस अंडर एस इज इक्वल टू 2.86 एंड 8.34. हमें निकालना है मैक्सिमम एरर और मोस्ट प्रोबेबल एरर इन ए ड्राइव क्वांटिटी. तो इसको सॉल्व करते हैं. डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास 0.005 और हमारे पास होगा ई एक्स प्रोबेबल एरर 0.0025. ठीक है, इसी के साथ हमारे पास डेल्टा वाई होगा 0.005 और ई वाई होगा हमारे पास 0.0025. अगर आपको इक्वेशन याद हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू था हमारे पास, जब हमें एक बार एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स वाई
प्लस डेल्टा वाई एक्स, ये आपको याद रखना, इसी से हमारा निकल जाएगा मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स हमें नॉन है, वाई हमें नॉन है, डेल्टा वाई हमें नॉन है, एक्स हमें नॉन है, तो डेल्टा एस जो भी निकलेगा उसको जब हम एस में प्लस माइनस करेंगे तो लिमिट्स निकल जाएंगे। ये है आपका मैक्सिमम एरर। और डेल्टा एस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले एस आएगा प्लस माइनस डेल्टा एस, तो ये निकल जाएगा लिमिट्स। तो सेम एज आप उसकी भी निकाल सकते हो, उसको आप सॉल्व करके देखना घर पे, ठीक है। तो ये एरर्स आपके सारे फिनिश हो चुके हैं। अब एक चीज मेरे को पूछनी है कि आज का लेक्चर फिनिश हो चुका है, ओलंपस ग्रेट लर्निंग पे कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी नहीं हुआ है, मैं आज उनका नाम भेज दूंगा ग्रुप पे, तो वो आज करा लें, क्योंकि लगभग एक टॉपिक दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तो एक क्विज लेना होगा। क्विज लोग हम टीम्स पे नहीं लेंगे, हम ओलंपस ग्रेट लर्निंग पर लेंगे, ठीक है, उसको लेंगे। तो आप सभी अपना बना लें उस पे। और एक चीज पूछनी थी कि मैंने सर्वेइंग के लेक्चर अपलोड किए थे वो फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी ने चेक किया है आज में या कल में? सर एमएस स्ट्रीम पे दिखाई दे रहे हैं, ओलंपस पे नहीं है। ओलंपस में आप थर्ड सेमेस्टर में उस पे क्लिक करते हो ना कोर्सेज पे? हाँ सर एमएस स्ट्रीम पे तो है, एमएस स्ट्रीम पे देखे थे सर। है आप? नहीं ओलंपस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, केवल एफएम भी दिखा रहा है। ओलंपस के कंटेंट में कुछ भी शो नहीं कर रहा, लेकिन फिर एमएस स्ट्रीम्स पे शो कर रहा है, क्योंकि सर मैंने तो ऐप डाउनलोड की थी तो उससे हो गया था। एक मिनट में अभी जरा चेक करता हूं। सो हो रहे ओलंपस पे भी? ओलंपस आ रहे ओलंपस पे भी है सर? यस सर है सर, है। ठीक है ठीक है सर, सारे है सर। दोबारा से बना के भेज दूंगा। और ओलंपस में सब एक बार प्लीज आज शाम तक सभी एक बार अपना लॉग इन करके ना कहीं पर लिख ले आईडी। कुछ स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है कि उन्होंने लॉगिन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोबारा से लॉगिन करें। अगर लॉगिन नहीं होता है तो मेरे को पर्सनल मैसेज करें, मैं उनको एक लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके दोबारा से पासवर्ड जनरेट करके उसको लिख लें। क्या पर कोई टेस्ट हो सकता है अपनी क्लास से भी, उस पर भी हो और टीम्स पर भी हो, तो दोनों को आपको एक्टिवेट रखना है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। लेक्चर को यहीं लीव करते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले कर देते हैं। ओके सर, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, अगर मन किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है या ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो बता देना, क्योंकि सर्विंग में ना अगर अभी समझ में नहीं आएगा आपको बहुत घंटे लग जाएंगे चीजों को समझने में। ठीक है चलो वैसे लीव करते हैं क्लास को, बाय। थैंक यू सर, ओके बाय बाय।